कोई शख्स रोशनदान बनाए, खिड़की बनाए,
अब आप उससे पूछे भाई क्यों क्यों बनाई, तो मैं क्या हवा आएगी रोशनी आएगी इसलिए बनाई, पर मैं अनुरोध नियत ये कर लेता कि ये रोशनी और रोशनदान खिड़की हमने इसलिए लगाई ताकि आजाद की आवाज हमारे घर के अंदर आए, तो रोशनी तो मिलेगी हवा तो मिलेगी, लेकिन शुरू में नियत क्या की थी मकान बनाते वक्त की आजाद की आवाज आएगी हम नमाज को पढ़ेंगे तो उस पर जब तक वो रोशनदान खिड़की रहेगी अल्लाह तबारक व तआला उस पर अजर अता फरमाएंगे। तो फरमाया कि मोमिन का हर काम, मोमिन का हर काम सवाब बन सकता है, मोमिन के हर काम पर अजर मिल सकता है, शर्त यह है कि अपनी सोच को और अपने जाविये को हम और आप तब्दील कर लें कि हमारे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम कैसे किया। पानी अंदर से हर शख्स पीता है, पानी पीने का तरीका क्या होता है, गाय में हाथ से पिया जाए, बैठ कर पिया जाए, देख कर पिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिया जाए, तीन सांस भी पिया जाए और पीने के बाद में फिर क्या हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया जाए, तो पानी भी पिया, सैराब भी पी हुई, प्यास भी बुझी और उस पानी पीने पर अल्लाह तबारक व तआला अजर भी अता फरमाएंगे। तो फरमाया कि मोमिन का कोई काम ऐसा नहीं है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजर ना अता फरमाया हो, शर्त यह है कि उस काम को हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक हम करने वाले बन जाए। पड़ोस के हुकूक है, अब मिसाल के तौर पर मालूम यह होगा कि झाड़ू लगाया हमने अपने घर पे और झाड़ू लगाने के बाद में कूड़ा इकट्ठा हुआ, तो अब वो कूड़ा हम कहां देते हैं, पड़ोस के घर के साथ, ताकि हमारा घर साफ रहे पड़ोस से। शरीयत ने क्या बताया है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के आपने फरमाया कि हजरत जिब्राइल मेरे पास इतनी मर्तबा आए, इतनी मर्तबा आए और पड़ोसियों के हुकूक बताए कि मुझे ये खदशा महसूस होने लगा कि हमें अपनी विरासत में पड़ोसियों को हक तो नहीं देना पड़ेगा, उनको हिस्सा तो नहीं मिलेगा, इतने हुकूक पड़ोसियों के बताए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अगर जिंदगी गुजारने के तमाम शोबों में पिछले एक बात आई थी पिछले जुमे को कि अगर दुनिया के अंदर अमन कायम करना चाहते हैं तो इंसाफ को कायम करना पड़ेगा, दुनिया के अंदर अमन कायम करना चाहते हैं तो इंसाफ को कायम करना पड़ेगा, जहां इंसाफ होगा वहां अमन होगा और जहां इंसाफ नहीं होगा वहां बदअमनी होगी। तो ये तमाम चीजें हमको मिलती है शरीयत से और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। जैसे तालीबात में मौलाना अरहर साहब रहमतुल्लाह ने लिखा कि अगर सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़नी है तो सूरह यासीन पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला रिज्क को यज्जा फरमा देते हैं। उसकी मिसाल दी कि मिसाल के तौर पर अगर आप जानवर को मुर्गी वगैरह को दाना डालें तो एक जगह रखते मुर्गी आके चुन लेती और उसको फैला दें दूर तक डाल दें तो वो गिजा तो उसको मिलेगी लेकिन उसको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो रिज्क जो हमारे मुकद्दर में है वो तो हमको मिल ही के रहेगा लेकिन उस रिज्क के लिए थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फरमाया कि अगर सुबह सूरह यासीन पढ़ लिया जाए तो फिर अल्लाह ताला रिज्क को एक जगह जमा फरमा देंगे और इंसान को वो रिज्क आसानी से मिल जाएगा। अब सूरह यासीन पढ़ने में कितना वक्त लगा, 5 मिनट 7 मिनट, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी तरीके से फरमाया कि एक दुआ अगर सुबह के वक्त पढ़ ली जाए और शाम के वक्त पढ़ ली जाए तो उसका मफहूम भी यही है कि अल्लाह ताला है अल्लाह हमें जहन्नम के आजाब से बचा। वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा। तो फरमाया कि इस दुआ के पढ़ने की बरकत से अगर सुबह 7 मरतबा पढ़ी जाए और शाम को 7 मरतबा पढ़ी जाए तो फिर अल्लाह ताला दोज़ख से बचा लें। तो क्या मतलब, दोज़ख से बचाने का मतलब यह है कि जब दुआ का मामूल बन जाएगा इंसान का तो फिर रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला उससे गुनाहों को छुड़ा दें और उससे ऐसे आमाल कराएंगे कि जिस आमाल की बदौलत उसको आखिरत में जन्नत मिलेगी। अब इस पे बुजुर्गों का अपना एक तजुर्बा है, दवाओं का उन्होंने फरमाया कि इसे दवा इंसान खाता है तो बीमार होता है, तो अब दवा खाने में उसका असर इसी दवा का असर 6 घंटे रहता है, इसी दवा का असर 10 घंटे रहता है। तो फरमाया कि अगर सुबह 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया जाए अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ना फजर के बाद याद रहे तो जब याद आए इशराक के वक्त चाश के वक्त फिर पढ़ ले और फिर इसी तरीके से शाम को पढ़ ले,
तो इसका असर 12 घंटे रहता है। अब 12 घंटे के बाद आपने दोबारा पढ़ लिया तो फिर इसका असर भी 12 घंटे का हो गया। लेकिन अगर इसका माहौल बना लिया, इस दुआ का सुबह शाम पढ़ने का माहौल बना लिया, तो फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को गुनाहों से बचा लेंगे और नाफरमानियों से बचा लेंगे और ऐसे आमाल उससे सरजद होंगे और ऐसे आमाल को करने वाला बनेगा जो आमाल जन्नत में ले जाने वाले होंगे और उन आमाल से इंसान बच जाएगा जो आमाल जहन्नम से बचाने वाले होंगे। ऐसे आया कि अगर जो है वो मगरिब के बाद सूरह वाकिया पढ़ लिया जाए, इसकी बड़ी फजीलत है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी फजीलत बयान फरमाई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का गालिबन कौल है, वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी बच्चियों को भी सूरह वाकिया याद करा दिया था ताकि वो सूरह वाकिया रोजाना मगरिब के बाद पढ़ती रहे। और फरमाया कि इससे क्या होगा, फक्र नहीं आएगा, गुरबत नहीं आएगी। लेकिन इस नियत से न पढ़े कि दुनिया की गुरबत न आए, बल्कि इस नियत से पढ़े कि अल्लाह हमारे दिल को हल करे। और अगर दिल बनी हो जाएगा तो फिर मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। तो सूरह वाकिया के अंदर ये खास सिफत है कि जो इंसान सूरह वाकिया पढ़ने का माहौल बना लेगा उस पर कभी गुरबत नहीं आएगी, कभी उस पर फक्र नहीं आएगी, कभी उसके यहाँ फाका नहीं होगा। ये फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया कि अगर ईशा के बाद सूरह मुल्क तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क और बिस्मा पारा यहाँ से शुरू होता है, अगर ईशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ने का माहौल बना लिया जाए तो ये सूरत अज़ाब कब्र से इंसान को महफूज रखती है। तो मेरा कहने का मकसद यह था कि ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं इस्तेमाल आने वाली 24 घंटे, अगर इनको हम अपने मामूलात में बना लें तो इससे दुनिया का भी फायदा होगा और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएंगे और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम भी मिलेगा। तो अगर हमारा हर काम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक हो जाए, आपकी सुन्नत को मालूम करके और उस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करने और उस पर आगे बढ़ जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बरकत होगी। हजरत सहाबा इकराम के अंदर क्या जो बात सुनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस पर फौरन अमल किया और जो काम सहाबा इकराम को जिस काम पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया उस काम को हजरत सहाबा इकराम ने पूरी जिम्मेदारी से निभाया। जैसे एक जंग के मौके पर हजरत मुसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा दिया। इस्लामी झंडा होता था जो जंग के मौके पर उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो हजरत मुसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आका ने वो झंडा दिया। झंडा गिरने का मतलब ये होता था कि शिकस्त हो, बजाहिर शिकस्त हो गई, ये शिकस्त की अलामत समझी जाती है। हजरत मुसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और मुसा बिन उमैर जिनके बारे में आता है कि जब वो मक्का में इस्लाम लाने से पहले जो उनकी जिंदगी थी तो वो मक्का के लोगों का आइडियल और नमूना हुआ करते थे, जैसे वो बाल कटाते थे मक्का के लोग बाल कटा लिया करते थे, लेकिन 200 दिरहम का जोड़ा पहना करते थे। लेकिन जब इस्लाम को कबूल किया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत से वाबस्ता हुए तो क्या हुआ, एक मौके पर मदीने में गुजर रहे थे आका बैठे हुए थे सहाबा के साथ, तो मुसअब बिन उमैर के पास जो है वो दो मामूली चादरें थी, दो मामूली चादरें थी कि उनसे कम में गुजारा ना हो। हुजूर ने तस्कीरा किया तो आपके आंखों में आंसू आ गए कि देखो ये नाजो कपड़ा हुआ, लेकिन सब कुछ इस्लाम पर लुटा दिया। लेकिन जब जंग के मौके पर झंडा दिया वो झंडा हजरत मुसअब बिन उमैर के हाथ में था और आपने फरमाया कि अगर ये शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को झंडा दे दिया जाए। फिर फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न रवाहा शहीद हो जाए तो फुला सहाबी को झंडा दे दिया जाए। तो किसी ने ये बात सुनी तो उसने कहा ये सब शहीद हो, नबी की गुफ्तगू का मकसद ही यही मतलब ही हो। तो हजरत मुसअब बिन उमैर झंडा कपड़े हुए थे, आप पर हमला किया गया, आपका बाजू कट गया, लेकिन आपने झंडा नहीं छोड़ा तो उसने हाथ से पकड़ ली। फिर हमला किया गया, दूसरा बाजू काट दिया गया, तो आपने ये बाजू से लटकी हुई जो खाद थी इससे झंडे को चिपका लिया, लेकिन झंडे को नहीं छोड़ा। क्यों? ये झंडा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हम कहते हैं कि आप सुनने के बड़ा आसान है, लेकिन दोनों हाथ मौके पर काटे गए हो, जिस्म से खून के फुव्वारे छूट रहे हो और उसके बाद में अपनी परवाह न हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो झंडा दिया है उस झंडे की फिक्र होगी, ये झंडा हमारी जिंदगी
जिंदगी में कितने दफा उसको छुटा लिया, फिर हमला किया गया, जिस मुकाम पे बूढ़े हो गए, शहीद हो गए, मेरे अब्दुल्लाह इब्न रवाह ने आगे बढ़कर उस झंडे को संभाल लिया, लेकिन अपनी जिंदगी में हजरत मुसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला ने उस झंडे को गिरने नहीं दिया। ये सहाबा इकराम ने ये अमल करके निकलाया हमारे और आपके लिए, उसी को अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया कि वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो चीज तुम्हें रसूल दे उसको ले लो। देने का मतलब ये है कि जिस चीज का हो तुम्हें हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उस चीज को करो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको रोके तुम उससे रुक जाओ और उस काम को ना करो। ये कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब में बस बताया कि पैगंबर जिस चीज का तुम हुक्म दे उसको करो, जिस चीज से वो मना करते उससे रुक जाओ। ये किसको हुक्म दे अल्लाह तबारक व तआला, ये किसको हुक्म दे, किससे फरमाए, हमें और आपको तो फरमाए, ईमान वालों से तो कह रहे हैं कि मुसलमानों जिस चीज का तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे उसको करो, जिसके मना करे उससे रुक जाओ। जैसे हुजूर ने फरमाया कि हमारी उम्मत के अंदर गाली गलौज आम हो जाएगा तो फिर ये अल्लाह की निगाह से गिर जाए। आप देखो ये कलाम बना हुआ गाली के लिए, बात बात पे गाली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उम्मत के अंदर गाली गलौज आम हो जाएगी तो ये अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी, और जब अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी उम्मत तो जो चाहे जैसा चाहे उसके साथ शुरू करे। तो इसलिए अपनी जुबानों को पाक रखा जाए, अपनी जुबानों को साफ सुथरा रखा जाए, गाली का इस्तेमाल न किया जाए, जबान से फर्श बातें इस्तेमाल न की जाए, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो ये जितनी चीजें हैं अगर ये देखी जाए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इन तालीमात दी है, इन तालीमात की रोशनी में अगर हम जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया की नेमतों से भी सरफराज फरमाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आखिरत की नेमतों के साथ आखिरत की नेमतों से भी अल्लाह हमें सरफराज फरमाएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम के अंदर अल्लाह ने खैर रखी है, और दुनिया को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ा है। दुनिया के अंदर असबाब की लैन से जो जितनी मेहनत करेगा उसी एतबार से भी कामयाब होगा। जैसे फरमाया कि सुबह उठो फजर की नमाज के लिए उठो, बल्कि उससे पहले हुक्म है, लेकिन अगर फजर की नमाज के लिए उठा जाए और उसके बाद में फिर अपने कारोबार में लगा जाए उस वक्त रिस्क तकसीम होता है, तो मालूम यह हुआ कि जब अल्लाह की तरफ से रिस्क तकसीम होता है तो हम तो सोते रहते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह जल्दी उठने का, लेकिन इसको क्या हुआ, इसको लिया किसने, जिनकी तालीमात और जिनके लिए ये तालीमात थी हमने तो उस तालीमात को बुला दिया, लेकिन गैरों ने उस तालीमात को अपना लिया। आप सुबह सुबह निकले तो आप बड़ी तादाद में बिरादरी वतन आपको मिलेंगे काम करते हुए और सुबह उठते हुए। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, और जो दुनिया में जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला असबाब को जो इख्तियार करेगा उसी एतबार से उसको मिलेगा। इसलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हर हर काम में खैर है और हर हर काम में भलाई है। हम अगर उन कामों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह उस पर अजर मिलेगा। शादी ब्याह का दौर चल रहा है, अब शादी ब्याह में ठीक है वजीफे का हुक्म है, अल्लाह ने वसत दी है तो अपनी वसत के मुताबिक वलीमा किए जाए। ये सभी पड़ोस के मुल्क में वलीमा हुआ तो मालूम 200 करोड़ रुपये वलीमे में खर्च किए, 2 अरब रुपये इसी हफ्ते में पड़ोस के मुल्क में 2 अरब रुपये एक वलीमे में खर्च किए। क्या हुआ, सोने के वर्ग में मिठाई तकसीम की जा रही, तो फरमाया ये तो बदतरीन खर्च है, ये तो बदतरीन खर्च है। फिर ऐसा बोल कि जहां की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी, बिल्कुल जहां तबाही के दहाने पर पहुंची हुई हो, और इन हालात में वबाई हालात में पूरी दुनिया मुतासिर हो, और लाखों मुसलमान लाखों इंसान जो अपने रोजगार से हाथों बैठे हो, ऐसे हालात में 200 करोड़ रुपए अगर एक एक शादी पर खर्च किए जा रहे तो क्या अल्लाह की पकड़ नहीं आएगी। अल्लाह ने वसत दी है, वलीमा करने का हुक्म दिया है, लेकिन वलीमा उसी अंदाज से किया जाए जिस अंदाज से करने का हुक्म हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो तय करें कि इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का महीना तो मुकम्मल हो गया, आका की विलादत बासआदत का महीना था, कि हम एक एक सुन्नत पर अमल करें। कपड़े जैसे हमारे पैगंबर पहनते थे वैसे पहने, जैसे आका कपड़े उतारते
थे वैसे उगाए, पानी जैसे हमारे आका पीते थे वैसे पिए, जैसे खाना हमारे आका खाते थे वैसे खाएं, जैसे हमारे आका ने सोने का तरीका बताया वैसे सोए, जैसे उठने का तरीका बताया वैसे उठेंगे, तो जैसे मस्जिद में आने का तरीका बताया वैसे मस्जिद में दाखिल होंगे, जिस तरीके से मस्जिद से निकलने का तरीका बताया वैसे निकलेंगे, घर में कैसे दाखिल होंगे जो तरीका आका ने बताया उस तरीके से दाखिल होंगे, घर से कैसे निकलते थे आका वो तरीका आका ने बताया वैसे निकलेंगे। तो इंशाल्लाह एक एक काम पर हमें अजर व सवाब भी मिलेगा और दुनिया के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला हालात को भी साजगार कर देंगे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और आपकी सुन्नतों को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह इज्जतें मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी, सरबलंदियां मिलेंगी, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ देंगे तो नाकामियां मिलेंगी। जो